हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा, टॉम एंड जेरी कार्टून कैसे आप लोग बना सकते हो। अगर आप लोग कार्टून बनाने में इंटरेस्ट रखते हो तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि टॉम एंड जेरी कार्टून कैसे आप लोग बहुत ही आसानी से अपने फोन के माध्यम से कैसे बना सकते हो, बहुत ही आसानी से। यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट इस चैनल पर हमेशा लाता रहता हूँ। कैसे कार्टून बनाया जाता है, कैसे 3D कार्टून बनाया जाता है, कैसे 2D कार्टून बनाया जाता है, मतलब हर एक तरह का कार्टून बनाने के लिए मैंने इस चैनल पर सिखाया हुआ है। आप लोग चाहो तो विजिट करके चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हो उस वीडियो को। चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए, ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉम एंड जेरी एक ऐसा कार्टून है जिसको सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इसको देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप लोग इसको YouTube पर सर्च करोगे, टॉम एंड जेरी लिख करके YouTube पर अगर आप लोग सर्च करोगे, तो आपके सामने इस कार्टून का भंडारा लग जाएगा, और हर एक वीडियो पे मिलियंस ऑफ आपको व्यूज देखने को मिल जाएगा। मिलियंस में, लाख में, 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 2 लाख, इस तरीके से हर वीडियो में आपको व्यूज देखने को मिल जाएगा। एक ऐसा ये कार्टून है जो सिर्फ YouTube पर ही नहीं, पूरे सोशल मीडिया पर इसका काफी ज्यादा डिमांड है, और इसको बच्चे बहुत ज्यादा देखना पसंद करते हैं, और उसके साथ साथ बड़े लोग भी इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं देखना। चलिए, ज्यादा बकवास ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि कैसे टॉम एंड जेरी कार्टून बनाना है। तो सबसे पहले यूट्यूब पर आपको सर्च करके देख लेना है टॉम एंड जेरी। तो मैंने सिंपली यूट्यूब अपना ओपन किया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपली टॉम एंड जेरी, बस इतना सर्च किया मैंने। देख सकते हो हर एक वीडियो पे, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 2 ईयर्स में 531 मिलियन व्यूज आया हुआ है टॉम एंड जेरी कार्टून पर। देख सकते हो, समझ सकते हो कि कितना ज्यादा, 531 मिलियन व्यूज इस पर आया हुआ सिर्फ एक वीडियो पर। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज्यादा डिमांड होगा इस तरीके का कार्टून का, टॉम एंड जेरी का। देख सकते हो मूवी कौन, 276 मिलियन, 5 साल में 276 मिलियन इस पर व्यूज आया हुआ है। देख सकते हो 23 घंटा पहले ये अपलोड हुआ है चैनल पर, WB Kids करके एक चैनल है, इस पर अपलोड हुआ है 23 घंटे पहले, इस पर 97,000 व्यूज आ चुका है। तो इतना ज्यादा इसका डिमांड है टॉम एंड जेरी कार्टून का। तो आपको इसको बनाने के लिए सिंपली करना क्या है, कैसे, एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा, एक एक स्टेप आपको ध्यान से समझना है। अगर जरा भी आप लोग मिस्टेक करोगे, स्किप करोगे वीडियो को, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, और आप लोग जैसे तैसे आप लोग वीडियो बना करके डालोगे अपने चैनल पे तो आपके पास कॉपीराइट आ सकता है। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने यूट्यूब पर सर्च करना है टॉम एंड जेरी ग्रीन स्क्रीन, बस इतना आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद देख सकते हो 3 डॉट का एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, ये वाला, सिंपली आपको इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद सर्च फिल्टर्स पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर एक क्रिएटिव कॉमन का ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पर देख सकते हो क्रिएटिव कॉमन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, सिंपली इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। अप्लाई मैंने कर दिया। अप्लाई करने के बाद देख सकते हो क्रिएटिव कॉमन का मतलब होता है, मतलब क्रिएटिव कॉमन का इस पर जितना सारा वीडियो होता है क्रिएटिव कॉमन में, इसको आप लोग अपने तरीके से, मतलब अपने खुद से क्रिएट करके, इसमें क्रिएटिविटी दिखा करके अपने खुद के चैनल पर डाल सकते हो। यही होता है क्रिएटिव कॉमन, मतलब कोई भी वीडियो क्रिएटिव कॉमन से उठा करके अपना उसमें क्रिएटिविटी डाल करके अपने चैनल पर पोस्ट कर सकते हो। तो मैंने क्रिएटिव कॉमन का यहाँ पर अप्लाई कर दिया। क्रिएटिव कॉमन देख सकते हो, ये सारा वीडियो क्रिएटिव कॉमन का है, तो इसमें कोई भी मुझे कॉपीराइट का क्लेम का या स्ट्राइक का खतरा नहीं है। मैं इसमें अपना क्रिएटिविटी डालूंगा, इसमें खुद से एडिटिंग करना पड़ेगा, आपको ध्यान से यही समझना है कि कैसे एडिटिंग करना है। तो इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, जितना सारा स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है टॉम एंड जेरी का, आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है पहले से, सिंपली आपको वहां से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो भी आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है, जो भी आपको आसान लगता है, वो आपको सिंपली ओपन कर लेना है। मैं आपको सिंपली काइन मास्टर में दिखाऊंगा कि कैसे कार्टून बनाया जाता है। काइन मास्टर ओपन करने से पहले आपको बहुत सारे बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, कार्टून बैकग्राउंड का आपको जरूरत पड़ेगा। तो कार्टून बैकग्राउंड बहुत सारा अनलिमिटेड लेने के लिए बिना कॉपीराइट का आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पे, इमेज सर्च मैन, आपको इतना सर्च करना है, इमेज सर्च मैन। सर्च करने के बाद देख सकते हो, इमेज सर्च मैन के बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आपको सिंपली
अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है, बैक करके इसको ओपन करना है। इमेज सर्च मैन को आप लोग अपने फोन में ओपन करना है। अब जैसे ही आप लोग इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर सर्च करना है कार्टून बैकग्राउंड, इतना लिखने के बाद आपको सिंपली सर्च कर लेना है। तो देख सकते हो आप लोग बहुत सारा आपके सामने बैकग्राउंड यहाँ पर कार्टून का देखने को मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके का। तो कोई सा भी आपको बैकग्राउंड ले लेना है, मतलब जैसा आपको कार्टून बनना है उस तरीके का बैकग्राउंड आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। बहुत सारा जैसा जैसा आपको बैकग्राउंड का जरूरत पड़ेगा उस तरीके का आपको यहाँ पर सर्च करके बैकग्राउंड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री, कोई भी कॉपीराइट आपके पास नहीं आएगा। देख सकते हो मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड पे सिंपली क्लिक करके यहाँ पर बटन दिखेगा आपको डाउनलोड का, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फोटो यहाँ से बैकग्राउंड डाउनलोड हो जाएगा। तो सिंपली मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपको करना क्या है, अपने एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो मैं काइन मास्टर को करता हूँ। काइन मास्टर ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके के आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इंटरफेस। न्यू प्रोजेक्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद रेशियो आपको रखना है 16:9 का, YouTube के लिए वही होता है 16:9 रेशियो। अगर आप लोग Facebook के लिए कर रहे हो तो वो अलग कर सकते हो, 1:1 रख सकते हो या 4:3 रख सकते हो, इतना रख सकते हो। तो मैंने YouTube के लिए किया है 16:9। क्रिएट पे क्लिक करूंगा, अलाउ कर दूंगा। अलाउ करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको उस बैकग्राउंड को यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो मैंने डाउनलोड किया है कार्टून बैकग्राउंड को। तो देख सकते हो डाउनलोड में मेरा आ गया है। सिंपली मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया अपने बैकग्राउंड को, अब उसी पर मैं टैप करूंगा। मैं टैप किया, देख सकते हो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा इस पे टैप करके आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना। बढ़ाना कैसे है, जैसे ही आप लोग इस फोटो पे टैप करोगे, टैप करने के बाद देख सकते हो ये येलो कलर का कुछ पट्टी बना हुआ आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ से सबसे लास्ट में ऐसे हाथ से पकड़ के उंगली से थोड़ा सा ऐसे खिसकाओगे, खिसकाना है, देख सकते हो बढ़ते जाएगा ये। जितना बड़ा करना चाहते हो उतना बड़ा यहाँ से कर सकते हो बढ़ाकर। अब बैकग्राउंड आ गया। अब सिंपली करना क्या है, जो हमने वहां से टॉम एंड जेरी ग्रीन स्क्रीन का कार्टून डाउनलोड किया है यूट्यूब से, वो आपको सिंपली यहाँ पर ले लेना है। तो लेने के लिए करना क्या है, देख सकते हो एक ऑप्शन दिखेगा आपको लेयर का, यहाँ पर लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा आपको मीडिया का, मीडिया पे यहाँ पर चले जाना है। जाने के बाद देख सकते हो डाउनलोड में एक मेरा टॉम एंड जेरी ग्रीन स्क्रीन का कार्टून पड़ा हुआ है। तो मैं इसको सिंपली इस पे टैप करूंगा। टैप करने के बाद ओके, अब सिंपली इस पे टैप करना है आपको। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करना है दाएं तरफ, स्क्रॉल करते जाना है। देख सकते हो यहाँ से फालतू का यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपली आपको नीचे वाले लेयर पे, मतलब कार्टून वाले लेयर पे सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पर ट्रिम एंड स्प्लिट का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, ट्रिम लेफ्ट कर देना है, क्योंकि हमको बाएं साइड का काटना है, बाएं साइड का पार्ट फालतू है, तो आपको ट्रिम लेफ्ट कर देना है। ट्रिम लेफ्ट कर दिया मैंने, देख सकते हो फालतू का पार्ट था वो कट हो चुका है। अब सिंपली आपको टैप करना है स्क्रीन पे। टैप करने के बाद अब फिर से कार्टून वाले लेयर पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको इसको प्रेस करके अब इधर लेकर आ जाना है बाएं तरफ, शुरुआत में कर देना है इसको, देख सकते हो। अब इसको थोड़ा सा स्क्रीन मतलब बैकग्राउंड के साइज में इसको रख लेना है। तो इसको रखने के लिए, बैकग्राउंड को साइज में करने के लिए यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करना है। अब देख सकते हो इस ऑफ यहाँ पर किया हुआ था, इस पे मैंने टैप किया ये वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पर मतलब बैकग्राउंड के साइज में ये हमारा कार्टून हो चुका है। अब आपको सिंपली टैप कर देना है स्क्रीन पे यहाँ पर बैकग्राउंड पे। अब आपको फिर से कार्टून वाले वीडियो वाले सेक्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, यहाँ पर स्क्रॉल करते जाना है, करते जाना है। अब देख सकते हो क्रोमा की का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर दिया मैंने, देख सकते हो यह कार्टून का बैकग्राउंड पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। अब ये 28 पे है, थोड़ा सा और इसको 50 कर देना है, देख सकते हो मैंने 50 कर दिया। अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब देख सकते हो, आप लोग ध्यान से देखना, इसको मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ।
देख सकते हो आप लोग, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये हमारा बैकग्राउंड हट चुका है, मूव हो चुका है पूरे प्रोफेशनल तरीके से। कुछ इस तरीके का आपका कार्टून दिखेगा, देख सकते हो जहां जहां आपको वीडियो में कमी लगे देख सकते हो, यहीं से ये हमारा कैट टॉम बाहर आ रहा है। तो आपको यहां से कहां से बाहर आ रहा है देखना, आप लोग ध्यान से देख सकते हो, यहां से बाहर आना स्टार्ट हुआ है। तो यहां आपको कट लगा देना है, कट लगाने के लिए ट्रिम स्प्लिट पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद स्प्लिट पे आपको सिंपली टैप करना है, क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, देख सकते हो यहां पर हमारा बीच में वीडियो कट हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा आपको जूम कर देना है, मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब आपको थोड़ा सा वीडियो को जूम कर देना है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से जूम हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं प्ले करके, देख सकते हो आपको ध्यान से देखना, प्ले करके मैं दिखा रहा हूं, देख सकते हो अब ये प्रोफेशनल लग रहा है। देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारा कार्टून बना हुआ है। बैकग्राउंड देख सकते हो छोटा है, बैकग्राउंड सिंपली आपको बड़ा करने के लिए इस पर टैप करना है बैकग्राउंड पे, अब आपको खींच करके इसको बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से। जितना बड़ा हमारा वीडियो है उतना बड़ा आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, तो इसको खींच करके बड़ा कर देना है। आपको फिर से दिखाता हूं, मैं आपको फिर से प्ले करके दिखाता हूं, आप लोग ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके का हमारा कार्टून बना हुआ है यहाँ पर। तो इसमें साउंड है, तो ये साउंड है तो हमारा ये ओरिजिनल वीडियो नहीं हुआ। अगर ये साउंड हटाना है, अपने चैनल पर अपलोड करना है पूरे मतलब खुद का कंटेंट बना करके, तो आपको करना क्या होगा, साउंड को आपको म्यूट कर देना होगा और खुद से वॉइस ओवर इसमें करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसमें खुद से वॉइस ओवर कर देते हो तो ये हमारा खुद का क्रिएटिविटी हो जाएगा और ये हमारा खुद का कंटेंट हो जाएगा। इस पर कोई कॉपीराइट क्लेम या कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा और आप लोग जितना चाहो ऐसा वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, मतलब महीने का लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से, जैसे लोग कर रहे हैं यूट्यूब पर। मैंने आपको दिखाया, मैं अभी आपको अर्निंग दिखाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको अर्निंग नहीं दिखाऊंगा, आप लोग देख सकते हो खुद से चेक कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको कार्टून वाले लेयर पे आपको टैप करके आपको आवाज को म्यूट कर देना है। देख सकते हो मिक्सर का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, स्क्रॉल इधर नीचे करोगे तो मिक्सर का ऑप्शन पे क्लिक करके, क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर साउंड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर देख सकते हो साउंड का, इसको 100 है तो इसको आपको जीरो कर देना है। जीरो कर दिया मैंने, अब आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आ गया मैं, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर मैं बैक आ चुका हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पूरी तरीके से आवाज म्यूट हो चुका है। अब जैसे जैसे हमारे मतलब वीडियो में मूवमेंट हो रहा है उस हिसाब से आपको यहाँ पर वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर करने के लिए आपको सिंपली आपको कार्टून को प्ले करना है, यहाँ पर वीडियो को प्ले करना है। प्ले करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, इसको आपको सिंपली टैप करके ओपन कर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेना है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद वीडियो स्टार्ट करने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है, पहले वीडियो आपको प्ले कर लेना है उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेना है। और जैसे जैसे मूवमेंट होगा उस हिसाब से आपको उसी तरीके से आपको वीडियो में वॉइस ओवर करना है। तो देख सकते हो मैंने वीडियो को प्ले कर लिया है। प्ले करने के बाद जैसे ही आप लोग रिकॉर्डिंग करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे रिकॉर्डिंग, आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग चाहो तो वॉइस ओवर कर सकते हो। मैं आपको वॉइस ओवर करके अभी यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक पहले से रिकॉर्डिंग चालू है, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। मैं ऐसे ही आपको वॉइस ओवर करके दिखा देता हूँ। चलो मैं अब आराम करता हूँ, जाकर के आराम से सोऊंगा, सोने के बाद अब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। चूहा ये बम मुझे ला कर दो। ओहो ये हमारे सामने ही फट गया, हमारे पास ही फट गया, लाओ मुझे दूसरा बम दो और दो। ये क्या है तुम्हारे पास, इतना सारा बम रख करके बोल रहे नहीं है। कुछ इस तरीके से आपको वॉइस ओवर करना है, जैसे तैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप लोग प्रोफेशनल तरीके से वॉइस ओवर करना है। इस तरीके से वॉइस ओवर करने के बाद आपका वीडियो यहाँ पर बन करके रेडी हो जाएगा और हर एक मूवमेंट में जहां जहां आपको फनी लगे वहां पर आपको साउंड इफेक्ट मतलब फनी साउंड इफेक्ट डाल देना है। म्यूजिक बैकग्राउंड आपको डालना जरूर है, उससे क्या होता है कि कार्टून हमारा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लोग उससे ज्यादा पसंद करते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं हमारे वीडियो में। बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग डालोगे और साउंड इफेक्ट के साथ तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हमारा वीडियो लगता है। कुछ इस तरीके से आपका वीडियो तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद वॉइस ओवर भी यहाँ से हो जाएगा आपको, मतलब कि जैसे
ग्रीन स्क्रीन वीडियो हम लोग वहां से डाउनलोड किए यूट्यूब से, तो आपको छोटा छोटा क्लिप डाउनलोड करना है वहां से, 30 सेकंड का, मतलब एक मिनट के नीचे से आपको वीडियो वहां से डाउनलोड करना है। और यहाँ पर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना वीडियो बनाना चाहते हो यहाँ पर अलग अलग, मतलब छोटा छोटा क्लिप लेकर के यहाँ पर मतलब बना बना करके वॉइस ओवर करके अलग अलग स्टोरी यहाँ पर मतलब वॉइस ओवर कर सकते हो, अपना खुद से स्टोरी बना करके यहाँ वॉइस ओवर कर देना, जिस हिसाब से मूवमेंट हो रहा है वीडियो में उसी हिसाब से आप लोग वॉइस ओवर करना, छोटा छोटा क्लिप लेकर के एक ही बार, मतलब 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो डाउनलोड करके डायरेक्ट वैसे नहीं करना है। अगर डायरेक्ट वैसे करते हो तो कॉपीराइट आने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है, वैसे आपको नहीं करना है। छोटा छोटा क्लिप डाउनलोड करके ग्रीन स्क्रीन वाला, और आपको यहाँ से एडिटिंग कर लेना है। एडिटिंग कैसे करना है मैंने आपको दिखा दिया। अगर इस तरीके से आप लोग अपना एडिटिंग करते हो, इस तरीके से कार्टून बनाते हो, तो आपके पास कोई भी कॉपीराइट क्लेम, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। अगर इस तरीके से आप लोग वीडियो को एडिट करते हो तो जैसे मैंने बताया, एक एक स्टेप ध्यान से समझ लेना, इस तरीके से कार्टून बना करके अपने चैनल पर डाल करके आप लोग महीने का लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। और तो पूरा एडिटिंग होने के बाद हमारा पूरा वॉइस ओवर हो जाएगा, पूरा कार्टून यहाँ से एडिट हो जाएगा। होने के बाद आपको सिंपली लास्ट स्टेप करना क्या है, सेव करना है वीडियो को। तो सेव करने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली टैप करना है एरो वाला सेक्शन पे। यहाँ पर मैंने जैसे ही टैप किया, अब देख सकते हो यहाँ पर क्वालिटी आप लोग लो में भी सेव कर सकते हो और हाई में भी कर सकते हो। तो सिंपली 8.50 Mbps मतलब पर सेकंड होगा, यहाँ पर 87 MB का हो रहा, तो आप लोग चाहो तो बढ़ा करके इसको हाई क्वालिटी में वीडियो को सेव कर सकते हो। तो मैं लो अभी करके आपको सिंपली दिखा रहा हूँ, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। सेव एज वीडियो पर क्लिक करोगे जैसे ही आपका वीडियो यहाँ पर सेव हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लोग टॉम एंड जेरी कार्टून बना सकते हो अपने खुद के मोबाइल से बहुत ही आसानी से, और महीने के लाखों रुपए अर्निंग अपने चैनल से स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।